हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की सब्जी। तो पालक बहुत तरीके से बनाते हैं, तो हम इसे तोड़ रहे हैं और पूरा जड़ समेत तोड़ना है हमें। देखिए, हम तोड़ लिए हैं। अब इसको हम धो रहे हैं, इसको इतना अच्छा से साफ़ करना है ना। इसमें बहुत मिट्टी होती है और गंदगी बहुत होती है, तो इसको बहुत अच्छा से धो लेंगे। कम से कम 4-5 पानी से धोएंगे हम इसको। और देखिए, हमारे बच्चे इसको बिल्कुल, पहले तो मैं बनाती थी तो पसंद बिल्कुल नहीं करते थे पालक को, और वो बिल्कुल खाते नहीं थे। फिर मैंने इसको पनीर के साथ, मशरूम के साथ बनाया तो वो खाने लगे। फिर साग बनाया तो उसी तरीके से मैंने कोशिश किया कि इनको कुछ अलग हटके करके दूँ। फिर ये मैंने फिर साग भी बनाया तो फिर ये साग भी खाने लगे। तो मैंने साग में वही ट्रिक आजमाया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप ऐसे बनाएंगे तो आपके बच्चे भी खाना शुरू कर देंगे पालक। और पालक हमारे ना सेहत के लिए बहुत ही बहुत ज़रूरी होती है। इसके अंदर आयरन होता है, विटामिन 6 होती है और कैल्शियम भी होती है। और शरीर के लिए हरी वेजिटेबल बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे और खाएंगे। हम लोग तो खा लेते हैं, बच्चे ही पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए, हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से धोया है क्योंकि मार्केट से लाते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे कि अपने मतलब गार्डन में लगा देते थे, तो ये बहुत ऐसी चीज़ है ना कि तुरंत ये हो भी जाती है। 2-3 महीनों के अंदर बीज लगा देंगे तो गार्डन में, और ना जब भी इसकी हार्वेस्टिंग लेना चाहेंगे ले सकते हैं अगर आपके पास है ज़मीन तो। नहीं तो आप पॉलीथीन बैग में भी लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। और धोने के बाद फिर हम इसे ना छन्नी में छान लेंगे क्योंकि इसकी पानी पूरा सूख जाएगी। नहीं तो फिर आप बनाएंगे ना पालक तो क्या होता है ना कि सब्जी में ना फिर वो पानी बहुत देर तक गैस में पानी को सुखाना पड़ता है। इसीलिए धो के और हम इसे पानी को छलनी, जैसे छन्नी होती है ना, उसमें डाल लेंगे कि इसकी पानी बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाए। तो आज हम बस पालक की साग बनाने ही जा रहे हैं। तो देखिए, हमने कढ़ाई में रिफाइंड वाले ले लिया क्योंकि मैं घी में भी बना सकते हैं आप, जैसे मर्जी। मैं इसमें बना रही हूँ, तेल में भी बना सकते हैं। तो मैं आज इसमें बनाने जा रही हूँ, तो मैंने इसमें मेथी दाने डाले हैं और सूखी मिर्च डालूँगी मैं इसके अंदर। आप देख लोगे थोड़ा सा तेल ज़्यादा है तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ इसीलिए। नहीं तो मेरी मम्मी मम्मी बनाती है ना, तो थोड़ा ही सा डालती हैं वो छौंके लगाने के लिए। उससे क्या होता है ना कि फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाई हूँ, आप कोशिश करना। आप नहीं खाते हो तो थोड़ा आप कम भी कर सकते हो वाइल्ड। फिर उसके बाद मैंने इसमें देखिए गर्म होने के लिए डाल दिया है। अब मेथी आप नहीं खाना चाहते आप जीरा भी डाल सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाला, 3-4 प्याज डाला है। उसके बाद छोटे छोटे प्याज के पीसेस काट लिए थे हम, और इसमें हरी मिर्च काट लिए थे और लहसुन, छोटे छोटे लहसुन भी काट लिए थे और अदरक कूच के डाल दिया था। और हम 2 टमाटर लेंगे तो हम इसको ग्रेट कर लेंगे टमाटर को। फिर देखिए ब्राउन हो जाएगा ना जब प्याज, फिर हम टमाटर की प्यूरी को मतलब इसमें डाल देंगे। तो आप कट करके भी डाल सकते हैं, तो कटने से ना होता है कि छिलका टाइप का रह जाता है, और आप इस तरीके से डालेंगे ना तो सही रहता है। तो मैंने पेस्ट बना के डाला। फिर मैं इसमें नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और थोड़े थोड़े से डाले हैं, चटपटा लगे साग। और आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। और थोड़े से गरम मसाला डालिए इसमें आप, और इसको फिर अच्छा से भूनिए। तो जब आपको लगे ना कि थोड़ा सा तेल मसाले के ऊपर आने लगा तो फिर समझिए कि हो गया। फिर आप पूरा साग पालक जो काटा हुआ है उसको आप डाल सकते हैं। और मेरे पास उस समय पनीर था नहीं ना, मशरूम था, तो मैं बस साग ही बनाई थी। तो आप बथुआ उथुआ रहे तो आप उसको भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास था नहीं। अभी मैं पालक ही बस साग बना रही थी। तो आप इसको फिर बस ढक दीजिए, इसमें पानी कम बिल्कुल नहीं डालना है आपको। धीमी आंच पे कम से कम 40 नहीं तो 1 घंटा धीमी आंच पे इसको पकाइए। और ये पकने के बाद देखिए बिल्कुल ऐसा इस तरह से हो जाएगा। और फिर इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कूच लीजिए, और उसके बाद ये बिल्कुल ही तैयार है। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए और मेरे पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ।